जो रुझान है ये फाइनल नहीं है और जो फाइनल रिजल्ट आएंगे उसमें महागठबंधन ही सरकार बनाने जा रहा है। इंतजार कर लेते हैं और सीधे अब ये इंतजार राधिका खेड़ा की पार्टी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में देखिए जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। वो तो मान चुके हैं कि अब भाई हमारी ही सरकार बिहार में बनने जा रही है। वो तस्वीरें आई आपको दिखा देते हैं सीधे। बीजेपी दफ्तर के अंदर तमाम तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हो ऊपर मंच बनाए जा रहे हैं, बड़े नेता के आने की तैयारी है और उनके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है कि एक बार थोड़ी देर बाद जब वो आए तो यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। हमारे साथ संजय मयूख जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और मीडिया विभाग भी देखते हैं। संजय जी, सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ और कौन संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे? देखिए, यहाँ बूथ के कार्यकर्ता से लेकर देश के कार्यकर्ता तक आएंगे। जो भी तय होगा आपको निश्चित तौर पे बताएंगे। हम तो एक सुखद परिणाम की अपेक्षा में है और उस सुखद परिणाम के लिए जो इस कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है, ये निश्चित तौर पे कार्यकर्ता खुशियां बांट रहे हैं और खुशियां बांटने में हम कहीं परहेज नहीं करते। तो आप लोग को अब यह सुनिश्चित हो गया है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी, क्योंकि मतगणना तो जारी है? देखिए, हमको लगता है कि बिहार की जनता विकास को अपना आशीर्वाद देगी। बिहार की जनता ने विकास को आशीर्वाद दिया और इधर देख सकते हैं दूसरी तरफ कमल का चुनाव चिन्ह और झंडा लेकर यहाँ तमाम कार्यकर्ता पहुँच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ तैयारियां भी की जा रही है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग को उम्मीद थी कि बिहार में बीजेपी और एनडीए की जीत होगी? हमें पूरी 100% उम्मीद थी क्योंकि बिहार में बीजेपी की जीत होगी, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे मोदी जी ने काम किया है। वो लोगों ने सच्चाई का कहते हैं झूठ का तो मुंह काला है, सच्चाई की जीत हो। लेकिन मतगणना अभी जारी है? मतगणना जारी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बहुत अच्छी विजय होगी। हम यहाँ पर 1 बजे से आए हुए क्योंकि हमें पता था कि हम जीतेंगे और हमारी ही जीत। किसकी वजह से जीत हुई है? ये मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी जी की नीतियों की। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार संकटकालीन स्थिति में कोरोना काल में सेवा किया है, जनता को और घर घर में राशन पहुंचाया गया है, उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया गया है, ये बिहार में जीत बताती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही जीत हुई है। मोदी फैक्टर की जीत बता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। नीतीश जी को भी पता मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तैयारियां की जा रही हैं लगातार, जो भी बड़े नेता आएंगे उनके लिए लाइट्स लगाए जा रही है, घेरा बनाया गया है ताकि कोई भी कार्यकर्ता ऊपर न चढ़ सके। और इधर दूसरी तरफ तमाम युवा कार्यकर्ता की बात करें या महिलाओं की बात करें, पार्टी के महिला कार्यकर्ता की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और इनका मानना है कि उन्हीं की वजह से बिहार में जीत हुई। अभी तो मतगणना चल रही है, जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल, हमको जो जात पात की राजनीति से छुटकारा नजर दिख रहा है, वहाँ पे जो विकास के नाम पे वोट मिला है और जो एग्जिट पोल थे उन सब फेल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हम पूर्ण बहुमत से वहाँ पे आ रहे हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल आप सबके दिखाई दे। कार्यकर्ताओं को भी भरोसा है कि मतगणना भले ही चल रही हो लेकिन जीत जो है वो बीजेपी और जेडीयू की होगी। और एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे कि वो पीछे की तस्वीरें दिखाएं। पोडियम बनाया गया है यहाँ, जो भी नेता आएंगे भाषण देंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करेंगे। हमारे साथ अरुण सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। अरुण जी, कौन आ रहा है? क्योंकि तैयारियां तो हो रही हैं, आप लोग बढ़त भी बनाए हुए हैं। अभी आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, लेकिन मतगणना चल रही है, अब जीत सुनिश्चित है? आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप लोग की जीत होगी। देखिए, कार्यकर्ता हर्षोल्लासित में है, माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, अपने आप कार्यकर्ता खुशी से यहाँ पे केंद्रीय कार्यालय आ रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि तमाम उनके कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड है उनके पक्ष में, अभी तो नतीजा उलट भी सकता है। देखिए, उनके बारे में तो क्या कहना, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षोल्लास में पूरे देश भर में, और जो पहले से मालूम था कि एनडीए की सरकार बननी है वही आज बन रही है। तो एनडीए की सरकार की उम्मीद थी और वही बन रही है, और बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। और देख सकते हैं अभी काफी देर बाकी है, 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद कोई बड़े नेता यहां पहुंचेंगे। अभी पार्टी की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जुटान जो है वो शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया।